तो इसके बारे में थोड़ा बताइए अमन जी, प्राइस का। इसका 35,000 है। ओके। और उसका 30,000 है। ओके, देखिए 35,000 पे आपको मिल जाएगा और ये आपको मिलेगा 30,000 में। तो हेलो गाइस, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को जो थंबनेल आप देखे ही होंगे किस टॉपिक पर आज वीडियो होने वाला है, तो आज मैं आ चुका हूँ आरा, जो कि आरा में आपको दिखाने वाला हूँ ई रिक्शा, जो कि बहुत लोग ऐसे डिमांड होते हैं कि भाई मुझे ई रिक्शा चाहिए, जो रिक्शा लेना चाहते हैं। तो ये आपके लिए वीडियो है। और सबसे पहले तो मैं शॉप का नाम बताना चाहता हूँ, यहाँ जो शॉप का नाम है अमन मोटर्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अमन मोटर्स ही है और ये आपको पड़ता है, ये आरा में है, ठीक है। और फुल जो इंक्वायरी आपको देंगे, यहाँ के जो ऑनर है उनसे बात करेंगे और आपको पूरा फुल इंक्वायरी देंगे और क्या प्राइस है और क्या आपको देना पड़ेगा लेने के लिए। तो गाइस चलिए, जो यहाँ के ऑनर उनसे बात करेंगे और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या प्राइस है। और तो चलिए यहाँ पे ऑनर जो बात करते, आइए। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ है अमन जी, जो कि इन्हीं के नाम पे शोरूम खुला हुआ है। तो अमन जी, हमारे सब्सक्राइबर के ऊपर हाई कर दीजिए। हाय। तो सर अभी बताइए, आपके शोरूम में सबसे स्टार्टिंग प्राइस क्या मिलेगा? हमारे पास सेकेंड हैंड और न्यू गाड़ी का मैन्युफैक्चरर होता है। ओके। उसमें सब प्राइस अलग अलग है जी। सेकेंड हैंड आपको विदाउट बैटरी 35,000 से स्टार्ट हो जाता है और नया गाड़ी आपको 1,15,000 में फुल कम्प्लीटली मिलता है विदाउट इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन। और अगर आप रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस करवाइएगा तो उसमें 20,000 रुपया और बढ़ जाता है। और ये बताइए सर कि अगर किसी को आना होगा तो यहाँ पे एड्रेस को बता दीजिए हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर को। चनवा मोड़ से अगर आप आते हैं तो चनवा मोड़ और गिरजा मोड़ के बीच में ही ये पड़ता है आरा में जी। यही हमारा एड्रेस है, अमन मोटर के नाम से है। ओके। ऐसे अदर स्टेट से लोग आते हैं तो? अदर स्टेट से भी आते हैं तो स्टेशन, क्या बोल क्या ना होगा, स्टेशन पे आ जाएंगे, स्टेशन से चनवा मोड़ आ जाएंगे चाहे गिरजा मोड़ आ जाएंगे, वहाँ से हमको कांटेक्ट कर लेंगे, हम अपना लड़का भेज देंगे, वो उनको पिकअप कर लेगा। ओके। तो गाइस देख सकते हैं, ऐसे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी रहेगा, आप कॉल करके आ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अब बात करते ई रिक्शा के बारे में, तो भैया बताइए ई रिक्शा के बारे में क्या इसका प्राइस क्या है और बैटरी बैकअप क्या होता है इसका? इसका प्राइस 35,000 रुपया है विदाउट बैटरी। ओके। ठीक है, बैटरी डलवाने के बाद 30,000 रुपया उसमें और ऐड हो जाएगा, तो ये गाड़ी आपका पड़ जाएगा 65,000 रुपये का। ओके। तो देख सकते हैं गाइस 65,000 रुपये इस गाड़ी का पड़ेगा। अगर बैटरी जो होगा न्यू आपको डाल के दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको जो बैटरी सेकेंड हैंड दिया जाएगा, ठीक है, आपको न्यू बैटरी दिया जाएगा, ठीक है। और ये नंबर की बात करेंगे तो भैया नंबर कहाँ की होगी? नंबर आरा का होगा। ओके, आरा की नंबर था ये ना? आरा का ही। ओके, आरा का नंबर है। और ये पेपर ऊपर तो आपको टंच होगा? पेपर वेपर सब पेपर वर्क करा के देंगे। ओके, हम आपको। और ट्रांसफर करने की बात करेंगे तो ट्रांसफर कितने दिन में हो जाएगी? ट्रांसफर करने का बात करेंगे तो ट्रांसफर में यही 1 से 2 सप्ताह लगाएंगे हम। ओके। ट्रांसफर हो जाएगा 2 से 3 हफ्ता ऐसा लग जाएगा ट्रांसफर करने में। आप ट्रांसफर करके दीजिएगा? नहीं, ट्रांसफर अगर कस्टमर अगर चाहता है तभी हम ट्रांसफर करवा सकते हैं, वरना नहीं करवा सकते। ऐसे कस्टमर बोलेंगे कि भैया आप मुझे पूरा फुल्ली पेपर टंच करके दीजिए तो आप दीजिएगा ना? हाँ, फुल्ली पेपर टंच करके देंगे। ओके। तो देख सकते हैं इसका प्राइस हो 35,000 रुपया है, बैटरी का लगाते हैं अलग से तो उसका 30,000 बैटरी का प्राइस लगेगा। टोटली आपको 65,000 में आपको ये गाड़ी ऑन रोड करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट मॉडल में। तो गाइस अब बात करते हैं, जैसे कि आप सामान ढोने के लिए आप लेना चाहते हैं ई रिक्शा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ई रिक्शा है सामान ढोने के लिए, बहुत अच्छा गाड़ी है। और इसके बारे में आपको अमन जी जानकारी देंगे, तो अमन जी तो कुछ जानकारी दीजिए गाड़ी के। इसका प्राइस 45,000 रुपया है। ओके। ठीक है, और इसका इंश्योरेंस नहीं है। ओके। बाकी सब कुछ है। ओके, इंश्योरेंस, इस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, प्राइस आपको पड़ेगा 45,000 रुपया। इसका बैटरी भी अलग से कि बैटरी के साथ 45,000 रुपया? नहीं, बैटरी से अलग है। ओके। ये बैटरी मतलब नहीं, 45,000 में आपको दिया जाएगा और बैटरी जो है आपको अलग से हमको देना पड़ेगा आपको, है ना, अलग से जो प्राइस आपको जो है बैटरी का अलग लगेगा। ओके, इसका शोरूम प्राइस की बात करेंगे तो क्या होगा? शोरूम प्राइस न्यू में लेते हैं तो इसका प्राइस न्यू में 1,15,000 रुपये पड़ेगा फुल बैटरी के साथ। ओके। ये गाड़ी कितने दिन का हुआ सर? ये गाड़ी आपका हो गया 6 महीने का। ओके, 6 मंथ का ये गाड़ी हुआ है आपका, 45,000 रुपया है आपका और बैटरी का आपको अलग से लेकर लेना होगा, ठीक है। और इसका नंबर कहाँ की होगी सर? आरा नंबर है, हमारे पास जितनी भी गाड़ी है सब आरा नंबर है। ओके, सब आरा नंबर है।
और ये गाड़ी फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है? फर्स्ट ओनर है, या जो भी गाड़ी है सब फर्स्ट ही ओनर है, सेकंड ओनर कोई गाड़ी नहीं। ओके तो आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट मॉडल, इसके बारे में सारा आपको डिटेल पता चल ही गया होगा। तो अब ये अब इसके बारे में बात करते हैं, अगर आप चलाते हैं ई रिक्शा तो आप देख सकते हैं तो ई रिक्शा का कंडीशन जो है बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये भी गाड़ी का जो नंबर है आरा का ही नंबर है। तो अब इसका बात करते हैं, इसका क्या बैटरी बैकअप होगा भैया? इसका बैटरी बैकअप न्यू बैटरी लीजिएगा तो 100 किलोमीटर प्लस का हम देते हैं। ओके और अगर सेकंड हैंड बैटरी लीजिएगा तो उसमें हम माइलेज नहीं बता पाएंगे कि वो कितने का माइलेज देगा। ओके और ये बताइए, ये सर बताइए कि इसका प्राइस क्या होगा? इसका प्राइस 55,000 है। ओके 55,000 मतलब 55,000 में आपको ये दे दें ना। और फर्स्ट ओनर गाड़ी है ये। ओके तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे कोई आप 55,000 रुपये की गाड़ी जो है हवा वाई बोलते हैं ये रिक्शा, तो इसका इसके साथ ही बैटरी जो अलग से मिलेगा। हाँ। ओके और इसका जो न्यू का प्राइस की बात करें तो सर? न्यू का प्राइस अगर मेरे पास न्यू लेते हैं तो 1,15,000। ओके न्यू लेते हैं तो 1,15,000 रुपये में आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है तो आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट मॉडल में। तो गाइस अब बात करते हैं, या दो गाड़ी लगा हुआ है ये भी ई रिक्शा ही है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए अमन जी प्राइस का। इसका 35,000 है। ओके और उसका 30,000 है। ओके देखिए 35,000 पे में आपको मिल जाएगा और ये आपको मिलेगा 30,000 में, तो देख सकते हैं। और बैटरी के साथ नहीं मिलेगा आपको, बैटरी अलग से लेना पड़ेगा। और ये भी तो सब आरा के नंबर हैं और ये सब दोनों गाड़ी जो है फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनर है। तो देख सकते हैं गाइस अगर आपको लेना होगा तो आप यहाँ आकर ले सकते हैं। ठीक है तो गाइस आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलना और लाइक करना एकदम मत भूलना। ठीक है गाइस तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।